Subscribe to Filmfare and press the bell icon. सबकी अच्छी है पप्पू अजय देवगन तो लव रंजन भी ऐसे मूवी है वैसे कॉमेडी पंचेस डायलॉग्स वगैरह थे क्या सो डायलॉग्स बताने चाहेंगे जो आपका फेवरेट लगा हो उसमें इसमें कोई फेवरेट डायलॉग नहीं है कौन सा फेवरेट गाना कैसी लगी आपको अच्छी है कॉमेडी है बीच में इमोशंस है सब कुछ है एक्टिंग की बात करें तो तीन एक्टर्स में से आपको किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी Tabu is responsible for everything and she took a great role. And that song? That song, Holy Holy. Thank you, bye. Achhi thi. Achhi thi. Insane. So, achhi kyu thi, sir? नहीं ऑनेस्टली सीरियस मैं तो सो रहा था मैं सो रहा था ओके सोते एंजॉय किया फिल्म ही ऐसी तब्बू रकुल प्रीत सबके अच्छे सबने अच्छा काम किया सॉन्ग ज़्यादा अच्छे नहीं है ठीक सो सो है पर मूवी बहुत अच्छी है फाइव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्हाई ब्यूटीफुल व्हाट वाज द बेस्ट इन द मूवी एवरीथिंग इज बेस्ट एवरीथिंग इज बेस्ट यस एवरीथिंग इज बेस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम वाचिंग इट इज गुड प्यार का पंचनामा अलग होती है दिस इज फॉर एल्डरली पीपल मीन्स पीपल अबाउट 50 दे विल फील लाइक फीलिंग यंग अगेन आपको मजा आया मुझे तो बहुत मजा आई लाइक इट ओके ब्यूटीफुल कितने स्टार देना चाहोगे सर फुल 5 5 क्या 7 दे दूंगा मैं तो फुल एंटरटेनमेंट मूवी ऐसा है कि ये मूवी में कॉन्सेप्ट नया है जो अभी तक दिखाया नहीं गया है कुछ विशेषता नहीं है इसमें लेकिन कम उम्र की लड़की को उससे डबल उम्र के लड़के के साथ प्यार हो जाता है और वो कोशिश करती है शादी करने की और कितनी प्रॉब्लम होती है उस लड़के की पुरानी एक्स वाइफ है बच्चे हैं फैमिली है घर है उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना वही दिखाया है इसमें बेस्ट एक्टिंग तो अजय देवगन की बहुत अच्छी है तब्बू ने भी बहुत अच्छा रोल किया है बेस्ट एक्टिंग अगर आप बोलेंगे तो ये जो हीरोइन है उसकी लगी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे देश में अभी तक ये कॉन्सेप्ट आया नहीं था अब आ रहा है और धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और न्यू जनरेशन इसको मानती भी है और इसको बहुत लाइटली लेती है पहले ये बहुत बड़ी बात थी कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा लड़का और इतना बड़ा गैप ये बात कैसे हो सकती है आज ज़माना बदल गया है और लोगों ने एक्सेप्टेंस चालू कर ली बात सॉन्ग 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 तो आपका सॉन्ग में तो देखिए कुछ अच्छे सॉन्ग नहीं है इसमें दो पंजाबी सॉन्ग है उसमें कोई दम नहीं है दारू पी के गाती है और वो खाली ऐसे ही है टाइम पास है एक गाना अच्छा है जब ये लोग जब बिछड़ते हैं तो एक अच्छा गाना आता है आउट ऑफ 5 3 दूंगा क्योंकि कॉमर्शियली हिट होगी कि नहीं ये थोड़ा डाउटफुल है